एवरीवन नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं रोज फेशियल। मैं सोच रही थी करवा चौथ आ रहा, दिवाली आ रहा है, तो मैं होम मेड ही चीजों से फेशियल करूं घर पर ही। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए ताकि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं या सकूं कि कैसे आप घर पे अपना फेशियल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें फेशियल की, तो फेशियल के 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है क्लिंजिंग, और दूसरा होता है एक्सफोलिएट करेंगे स्किन को, तीसरा होता है मसाज करेंगे, उसके बाद मास्क लगाएंगे, और उसके बाद हम फेस पैक लगाएंगे। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं फेशियल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं। क्या क्या हमको चाहिए फेशियल के लिए वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे मैंने सारे सामान फेशियल के लिया है, देखिए। तो फर्स्ट मैंने लिया है रॉ मिल्क, उसके बाद लिया है मैंने एलोवेरा। यहाँ पे मैंने वाइट शुगर लिया है, आप इसकी जगह पे ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर्ड लिया है, यहाँ पे मैंने चंदन पाउडर लिया है, और ये रहा हनी और गुलाब जल, और ये रहा ग्लिसरीन। ये आपको कहीं भी मार्केट में, लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने हेडबैंड लिया है हेयर को टाई करने के लिए, और एक खाली बॉल लिया है जिससे मैं इन चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो ज़्यादा टाइम, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने किसी भी क्लिप से, छोटी बेबी क्लिप या किसी भी चीज़ से पहले ये बेबी हेयर को ऊपर उठाना है, टाई कर। उसके बाद हम क्या करेंगे, फेस क्लींस करेंगे। तो फेस क्लींस करने के लिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम रॉ मिल्क डालेंगे। फिर इसमें हम रोज़ वाटर डालेंगे, आप कोई भी रोज़ वाटर ले सकते हैं, मैं यहाँ पे गुलाबरी का रोज़ वाटर ली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ही डालना है, छोटी टी। तो उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे डाबर का हनी, आप कोई भी हनी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाबर का हनी डालूँगी इसमें। उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, रोज़ वाटर, हनी और मिल्क मिक्स कर लेंगे। तो एक नेचुरल क्लींजिंग प्रॉपर्टी होता है जो हमारे फेस पे जो भी डर्ट वगैरह होता है उसको क्लींस कर देता है, और हनी हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और बात करें रोज़ वाटर की, तो वो हमको एक रिफ्रेश सा स्किन देगा। तो उसके बाद क्या करना है, आप कोई भी कॉटन बॉल या कॉटन पैड लेके इसके अंदर डिप कर देना है, ऐसे करके आपको डिप कर देना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसको निचोड़ लेना है, उसके बाद हल्के हल्के हाथों से अपनी स्किन को क्लींस करना है कॉटन पैड से। याद रहे नेक को नमिस करें। ये देखिए कितना सारा, आप पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं, इसमें देखिए डर्ट निकला है। तो इसको ऐसे ही 5 मिनट तक करके, उसके बाद अपने हाथ से ही इसको ऐसे ऐसे करके मसाज करना है, जिससे ये मिल्क और सारी चीज़ें हमारे फेस पे अब्जॉर्व हो सके। और 2-3 मिनट तक ऐसे करते करते आपको क्या करना है, अपने फेस को क्लीन कर लेना है नॉर्मल वाटर से। मैंने 2-3 मिनट तक ऐसे वॉश किया है, मैं अभी, आप जाके टैप वाटर से क्लीन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक हैंकी लिया है, उसको मैंने वेट कर लिया है, उसी से मैं क्लींस करूंगी। तो यहाँ मेरा फेस क्लीन हो गया है अच्छे से, कोई भी डर्ट वगैरह नहीं है, अच्छे से क्लीन हो गया है। उसके बाद बारी आती है एक्सफोलिएट की। तो एक्सफोलिएट के लिए हम क्या लेंगे, वाइट शुगर लेंगे, यहाँ पे आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, और उसके अंदर हम गुलाब जल डालेंगे। इतना डालें क्योंकि जब तक ये चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, और एक टीस्पून के करीब लगभग डालें, और इसको हाथों से ऐसे उंगलियों से मिला ले, और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से लेके अपने स्किन पे इसको
स्क्रब करें, स्क्रब की तरह हल्के हल्के हाथों से इसको स्क्रब करें। बात करें शुगर की, तो शुगर एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है जो हमारे स्किन की डेड स्किन को निकाल देता है और पोर्स को ओपन कर देता है, जो भी पोर्स में डर्ट वगैरह होते हैं वो कर देता है। और शुगर की वजह से, शुगर इसमें एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट भी होता है जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देता है साथ साथ में। हाथ में लेके दोनों हाथों से आपको ऐसे ही 5 मिनट तक स्क्रब करना है। याद रहे नोज एरिया को ज्यादा फोर्स करके करना है, थोड़ा सा प्रेस करके, क्योंकि यहाँ पे हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं, और फिर चीन एरिया को, यहाँ पे हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, उनको क्लीन करना है। तो इसको सर्कुलर मोशन में करते करते आपको फेस पे अच्छे से 2-3 मिनट तक इसको स्क्रब करें। फिर ये 5 मिनट हो गया हमको स्क्रब करते हुए, उसके बाद आप जाके नॉर्मल टैप वाटर से फेस को क्लीन कर ले। मैं इसी टॉवल से वेट करके लाई हूँ, इसी से क्लीन करूंगी। देख सकते हैं फेस पूरा क्लीन हो गया, सारे डेड स्किन निकल जाते हैं इससे। उसके बाद बारी आती है हमारे मसाज की फेस को, जब हमारे पोर्स क्लियर हो जाते हैं, सारे होल्स खुल जाते हैं उससे, उसके बाद एक अच्छे से मसाज की आपको ज़रूरत होती है। उसके लिए हमको क्या करना है, उसके बाद मसाज करने के लिए हमको क्या करना है, हमको प्लेन सा कर्ड लेना है। आप कोई भी कर्ड ले सकते हैं, होममेड या मार्केट का कोई भी कर्ड ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें एक बाउल में 2 टीस्पून के करीब इसमें कर्ड ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने कर्ड ले लिया। उसके बाद हम इसमें हनी यूज करेंगे। तो ये मैंने हनी ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे। और फिर इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर ले ताकि एक पेस्ट के फॉर्म में आ जाए। तो ये कुछ इस तरीके से पेस्ट के फॉर्म में आ गया है, जिससे आपको अप्लाई करने में इजी होगा। इसको अपने हैंड से ही पहले अप्लाई कर ले अच्छे से फेस पे। और फिर इसको हाथ में ही लेके दोनों हथेलियों पर रब करके इसको अच्छे से 5 मिनट तक हमको मसाज करना है। ऐसे ही सर्कुलर मोशन में करते करते आपको हाथ से ही लेके, अगर आपका हाथ ढक करके, इसको फिर से ऐसे ही मसाज कर सकते हैं। ऐसे ही मसाज करते रहिए। तो हमको मसाज करते हुए 8 से 9 मिनट हो गया है, 10 मिनट होने जा रहा है। और उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे नॉर्मल वाटर से। अगर आपको थोड़ा चिपचिपा लगे तो आप लूक वार्म वाटर भी यूज कर सकते हैं क्लीन करने के लिए। सो ये देखिए फ्रेश हो गई है बिल्कुल स्किन। अब इसके बाद बारी आती है हमारे फेस पैक की। तो हम क्या लेंगे उसके लिए, फेस पैक के लिए हमने यहाँ पे लिया है चंदन पाउडर। यहाँ पे मैंने चंदन पाउडर लिया है। इसमें हम गुलाब जल ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे।
सो ये हमारे फेस पे चारों तरफ लग गया है। इसको हम ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद आपसे मिलते हैं। उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे। तो ये 90% के करीब ये हो गया, ड्राई हो गया है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि इससे स्किन खिंच जाती है। तो मैं इसको वॉश करके आती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो मैंने चेहरे को वॉश कर लिया है नॉर्मल टैप वाटर से और बहुत ही रिफ्रेशिंग सा फेस हो जाता है इसके बाद, मास्क अप्लाई करने के बाद तो बहुत ही रिफ्रेश लग रहा है। और बात करें चंदन पाउडर की, तो चंदन पाउडर जो भी हमारी स्किन डैमेज होती है उसको हील करने में हमारी हेल्प करता है, और जो भी अंदर से पॉल्यूटेड हो जाता है हमारा स्किन अभी जो कि उसको ये हील करता है अच्छे से, इसलिए हम इसको लगाते हैं और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है फेस पे। उसके बाद बारी आती है टोनर की। तो टोनर हम क्या करेंगे, हम गुलाब जल को ही एक कॉटन पैड में लेंगे, एक सिंपल सा कॉटन पैड लेंगे, उसमें 2-3 ड्रॉप इसमें डालेंगे कॉटन पैड में, और उसके बाद स्किन पे रफली अप्लाई कर लेंगे। तो ये डन हो गया। और इसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइजर की। तो मॉइस्चराइजर भी हम होममेड ही यूज करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास है ग्लिसरीन, जो कि नेचुरल मॉइस्चराइजर है। ये आपके लोकल किसी भी शॉप पे आपको ग्लिसरीन छोटा बड़ा किसी भी और अफोर्डेबल रेंज में सबसे ज्यादा मिल जाएगी कहीं भी आपको लोकल मार्केट में ये है। और उसके लिए मैंने लिया है एलोवेरा जेल, और मैं इसको घर पे ही मॉइस्चराइजर बनाऊंगी। इसकी जगह पे आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, विटामिन ई की कैप्सूल। अभी मैं नहीं ऐड करूँ, मैं यही दो चीजों से बनाऊंगी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 टीस्पून के करीब, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, 1 टीस्पून के करीब इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ बात के लिए भी। अगर आपको अभी लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 टीस्पून करीब एलोवेरा जेल लें, उसमें 2-3 ड्रॉप ही ग्लिसरीन का डालें, क्योंकि ग्लिसरीन बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है फास्ट। और ऑयली स्किन है तो बिल्कुल 2-3 ड्रॉप डालें। अगर आपका ड्राई बहुत एक्सट्रीम ड्राई है तो आप 4-5 बूंद भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें हम एलोवेरा जेल डालेंगे। सो ये देखिए क्रीम फॉर्म में आ गया है। इसको चाहेंगे तो और आप मिक्स कर सकते हैं, ये देखिए। और इसको क्या करना है, अपने हैंड पे लेके इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, और इसको भी एक अच्छा सा मसाज अप्लाई करना है, ज्यादा क्वांटिटी में लेके अपने हैंड्स पे से रब करें। और बिफोर वी इवन बिगन अपने आई एरिया और माउथ पे ना लगाएं। शुड आई वर्क अगेंस्ट द फ्लो, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, sweet escape, a lovely start, I'm letting go the hardest part. Bye.